क्या अपन कर रहे हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे, इसका दूसरा नाम है देखो रिटर्न टू स्केल, याद रखना रिटर्न टू स्केल। जो हमने लास्ट टाइम किया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें क्या हुआ था, एक वेरिएबल कांस्टेंट था, सॉरी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट था और एक वेरिएबल था, जैसे लेबर था, लेबर क्या हो रहा था उसमें फिक्स था, लैंड भी फिक्स थी, लेबर क्या हो रहा था वेरी कर रहा था और कैपिटल क्या थी फिक्स थी। अब इसमें क्या होगा, रिटर्न टू स्केल में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जितने भी, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, and an increase in output is possibly by increasing all the inputs। देखो इसमें क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं अपने, है ना, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसे लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, इसमें देखो क्या लिखा है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेगी और जो आउटपुट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इज पॉसिबली बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स, क्योंकि हम क्या करें, सारे फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं और सारे इनपुट्स उसमें धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। देखो इसमें ना कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, अगर उस डेफिनेशंस को यहाँ देखेंगे, सपोज एक डेफिनेशन दी है लिभा फास्की ने, ऑथर का नाम है देखो लिभा फास्की, ये बोलते हैं रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द, रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ, return to scale relates to the relates to the behavior of total output as all inputs are varied, as all inputs are varied and is a long run concept, and is a long run concept। सेम वही है, बस कुछ नहीं है, उसमें एक फैक्टर कॉन्स्टेंट था, एक फैक्टर वेरिएबल था, इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे और उसमें देखो इसका ना एक चार्ट बनाऊ, जैसे लास्ट क्लास में करवाया था सेम वैसे ही इसमें छह कॉलम बनाओ, सब छह कॉलम्स बनाओ जैसे लास्ट उसमें करवाया था मैंने आप लोगों को, ड्रॉ करो सब। छह कॉलम्स बनाओ, एक में लिखो यूनिट्स ऑफ लेबर, लिखा यूनिट्स ऑफ लेबर, यस मैम, ठीक, एक में लिखो यूनिट्स ऑफ कैपिटल, सेकेंड वाले में फिर लिखो परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, एक में लिखो टोटल प्रोडक्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट और रिटर्न टू स्केल, ये देखो
इसमें यूनिट्स किसके, यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है, इसमें है सेकेंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ कैपिटल। जल्दी जल्दी चार्ट बनाते जाओ सब, यूनिट्स ऑफ कैपिटल करेंगे इसमें, ठीक है। फिर ये जो कॉलम है थर्ड वाला, इसमें अपन सॉल्व करेंगे परसेंटेज, याद रखना परसेंट, परसेंट कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, इसमें आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट आएगा इसमें लास्ट कॉलम में, और यहां पे लिखो रिटर्न टू स्केल, अब देखो अब साथ साथ कैलकुलेट करते जाना जैसे जैसे बोलते जाऊंगी। देखो लेबर पहले एक लगाया, ठीक, कैपिटल लगाई हमने दो, क्लियर है, लेबर एक है कैपिटल दो है, आ रहा है समझ में? यस मैम। तो बताओ कितना, देखो अब परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, देखो अगर पहले वाली डेटा होती तो समझ सकते, अभी इसमें कुछ नहीं दिया इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। टोटल प्रोडक्शन देखो हो रहा है 10 का, एजम्पशंस पे चल रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज तो पुराने वाले से पता चलता है। नेक्स्ट देखो रिटर्न टू स्केल अभी कुछ नहीं बोलेंगे अपन। अब देखो पहले लेबर कितना था, एक, अब लेबर बढ़ा दिए दो कर दिए, कैपिटल पहले थी दो अब कर दिए हमने चार, अब देखो परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, अलग से कॉपी में लिखो जैसे लेबर का, या दूसरे पेज में लिखना, ठीक है, पहले कितना था लेबर, एक था, अभी कितना आया दो, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ लेबर और कैपिटल, देखो एक से दो किया है मतलब पूरा 100% इंक्रीज हुआ ना, मतलब सपोज एक था पहले और अब टोटल कितना हो गया दो, देखो जो पुराना लेबर है वन और नया लेबर है टू, तो टू माइनस वन करो, अपॉन करोगे वन इंटू हंड्रेड तो भी 100% ही आएगा। सेम कैपिटल में फोर में से टू माइनस करोगे तो दो बढ़ा है और पहले कितना था दो इंटू हंड्रेड, 100% हुआ ना। सपोज अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और नेक्स्ट डे अगर मैंने आपको 20 दे दी तो कितना परसेंट से आपकी चॉकलेट्स बढ़े, पूरे 100% से बढ़े, एक दिन जितना था नेक्स्ट डे अगर उसका डबल हो जाता है तो बताओ तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ इसमें 100% का हो रहा है। क्लियर है यहां तक? यस मैम। अब देखो अब टोटल प्रोडक्ट समझो हमको 30 आया है, अभी टोटल प्रोडक्ट 30 आया तो परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट कैसे करोगे, नए में से पुराना वाला माइनस करते हैं, देखो 30 माइनस 10 अपॉन करना आप लोग कितना, पुराना वाला, पुराना कितना था 10 इंटू 100, देखो तो 30 माइनस 10 कितना होता है 20 अपॉन 10 इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा 200%। आया सबका? अरे हाँ यार हमें जवाब दो, इतना धीरे धीरे नहीं चलेगा क्लास बेटा, थोड़ा जल्दी बोलो।
मैम एक बार फिर से बताओ ना। अरे ओल्ड में से देखो ये जो न्यू है ना, न्यू में से ओल्ड माइनस करो, 30 माइनस 10 करो ना। मैथ्स नहीं करते हो क्या, सॉल्व परसेंटेज वगैरह टॉपिक? 30 में से 10 माइनस करो कितना आएगा? 20 अपॉन करो 10 से, पुराना वाला नीचे लिखते हैं। किया? यस मैम। इनटू 100 करो परसेंटेज के लिए, कितना आया? 200 आ गया। सेम इसमें किया था लेबर और कैपिटल का, इसको 2 माइनस 1 करो। इधर देखो रेड फॉलो करो, रेड स्पॉट, ये 2 में से 1 माइनस करो कितना आता? 2 माइनस 1 नहीं पता है मैम, 1। अपॉन करो, अपॉन में क्या करोगे, 1 की 2? 1 1 पुराना वाला, ठीक है, इनटू 100, 100% आएगा। देखो सेम इसी का निकालना, इन दोनों का परसेंट देखना सेम ही आएगा हर बार, इन दोनों का परसेंट, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 100 लिखा है, अलग से लेबर और अलग से कैपिटल का नहीं लिख रही हूँ, दोनों का सेम आ रहा है इसलिए एक ही लिख रही हूँ। चलो अब इधर देखो, अब देखो, अब लेबर कर दिया 3, अब कैपिटल कर रहे हैं अगर हम 6, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है पुराने वाले में से? 3 में से 2 माइनस करना, अपॉन 2 करना, इनटू 100, तो देखना 50% का इंक्रीमेंट मिलेगा। सेम कैपिटल में भी 6 में से 4 माइनस करना, अपॉन 4, 6 में से 4 माइनस करके अपॉन 4 करना, इनटू 100 तो आएगा। अब देखो, अब अपना टोटल प्रोडक्शन सपोज इस बार हो रहा है 60 का, तो इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? 100। सेम नेक्स्ट, अब 4 लेबर किए हमने, ये हो गए 8, ये बढ़ रहा है 33% से। देखो 8 माइनस 6 करना अपॉन 6, वैसे ही 4 माइनस 3 अपॉन 3 करना। अब यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट कितने से आ रहा है, 80 से आ रहा है, तो प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है? 80 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100, ये हो गया 33%। नेक्स्ट देखो, 5 आ गए लेबर, कैपिटल आ गई 10, ये देखो ये 25% देगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100 करना, वैसे 10 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100 करेंगे। सेम अब देखो टोटल प्रोडक्शन ये हो जाएगा 100, तो ये कितने से बढ़ रहा है? 25 से बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर आप फिर से देखोगे, 6 लेबर लेके आते हैं और कैपिटल अब कितनी हो रही है? 12। परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें? 20%। ये देखो ये हो जाएगा 110%, सॉरी प्रोडक्शन, अगर इसका परसेंट देखोगे तो 110 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 10%। आया समझ में यहां तक? देखो ये था आपका डायग्राम, सॉरी चार्ट था, फिगर। अब देखो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा था देखो रहेगा आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, वहीं पे अटका हुआ है, ठीक है, और तीसरा आएगा आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. यार समझ में, देखो जहां पे ये वाला 33% और जहां पे 33% देखो सेम आ रहे हैं, ये देख रहे हैं ये 33% और ये 33, ये सेम है ना. तो देखो ये हो गया कांस्टेंट, ठीक, और ये जो दो हैं ये हो गया इंक्रीजिंग. देखो ये 100 था तो ये 200 हो रहा था, बढ़ रहा था, मतलब लेबर एंड कैपिटल बढ़ा रहे थे 100% से, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितने से बढ़ रहा था, 200 से. समझ में आ रहा है, अगर 100% से लेबर एंड कैपिटल आ रहा है तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितने से बढ़ रहा था, 200 से. आ रहे समझ में, यस मैम. नेक्स्ट देखो ये 50% है, ये 50% है. तो देखो अगर हमने लेबर और कैपिटल को 50% से बढ़ाया, ठीक है, तो देखो प्रोडक्शन कितने परसेंट से बढ़ा, 100. प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा था, टोटल प्रोडक्ट 100 से, यानी ये 50 से डायरेक्ट क्या हो गया 100, यानी ये क्या है इंक्रीजिंग. आया समझ में, तो ये क्या हो गया इंक्रीजिंग. ये हमने 33% से बढ़ाया तो ये भी कितने से बढ़ रहा है, 33, तो इसको क्या नाम देंगे, कांस्टेंट. सेम वही, ये देखो ये भी कितने से बढ़ रहा है, 25 से. ये भी कितने से बढ़ रहा है, 25, तो क्या हो गया ये 25 25, कांस्टेंट हुआ. है ना, अब ये देखो ये हमने कितने से बढ़ाया, 20% से, लेकिन ये बढ़ कितने से रहा है, आप देखो 10 से, तो बढ़ा हम 20 से रहे हैं. देखो लेबर एंड कैपिटल हम बढ़ा 20 से रहे हैं, 25 दोनों ये तो कांस्टेंट होगा ना. हाँ ये दो तो कांस्टेंट है ना, ये नीचे वाली बात कर रही हूँ, देखो ये वाला अगर हम इसको 20 से बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ कितना रहा है, 10, तो ये क्या हो गया,